सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन आज फिर एक राजवंश की गौरव गाथा आपके बीच में लेके आया हूं। उस राजवंश का नाम है यादव, यदुवंशी, गोप, अहीर या अन्य बहुत सारे नामों से भारत में इन्हें जाना जाता है। मैं एक भी पुराण की बात नहीं करूंगा, सिर्फ इतिहास की बात करूंगा। और मैं बता दूं कि जितनी भी जातियां पशुपालक हैं, खेतीबाड़ी करने वाली हैं, पूर्व में वो सारे की सारी खत्ती और क्षत्रिय रही हैं। पाली भाषा में खत्तीय कहा जाता है और उसे संस्कृत में क्षत्रिय कर दिया है, और खत्ती का मतलब है जमींदार, खेतीबाड़ी वाला व्यक्ति। ये यादव जाति भी पुरानी जमींदार और खेतीबाड़ी वाली रही है। ये भी बीच बीच में कई बार राजा रहे हैं, जिनका मैं जिक्र आपके बीच में करूंगा। सबसे पहले मैं चर्चा करना चाह रहा हूं देवगिरी के यादवों की चर्चा। इतिहास उठा के देखिए, आपको मिलेगा कि देवगिरी के यादवों ने भारत के छोटे से भूभाग पर लंबे समय तक शासन किया। आगे चलकर के राजा गबली हुए, राजा सेवना हुए, राजा भिल्लम हुए, राजा जैत्रपाल हुए। लगभग इन्होंने 175 साल एज ए यादव वंश शासन किया। ये लोग जातिवादी नहीं थे, ये लोग छुआछूत नहीं मानते थे, ये लोग पशु बलि नहीं चढ़ाते थे, ये लोग श्रमण परंपरा के लोग हुआ करते थे। ये प्राचीन इतिहास की बात बता रहा हूं। इसके बाद छोटे छोटे रजवाड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे रजवाड़ों में भी यादव वंश का, यदुवंश का बहुत बड़ा योगदान है। ये भी सम्राट रहे, राजा रहे, महाराजा रहे। जैसे महाराजा पूरनमल, ये मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां के शासक रहे हैं। राव तेज सिंह रेवाड़ी के राजा रहे हैं। रुद्र मूर्ति अहीर ये झांसी के राजा रहे हैं। बुद्धदेव ये बदायूं के राजा रहे हैं। राजा अभिशार जम्मू कश्मीर के राजा रहे हैं। और राजा दिग्पाल महावन मथुरा के राजा रहे हैं। ये इतिहास की बातें मैं आपको बता रहा हूं। बहुत से लोग ये मानते हैं कि हम छोटे हैं, असहाय हैं, नीच हैं। ऐसा नहीं है। आप इस देश भारत के राजा महाराजा रहे हो, आप में वो काबिलियत है कि आप शासक कर सकते हैं, आप शासक हो सकते हैं, आप देश को चला सकते। काबिलियत है और आपके पुरखों ने चलाया है। वर्तमान की परिवेश की स्थिति में जो भी खेतियर जाति, पशुपालक जाति साधन संसाधन वाली हो जाती है, तुरंत अपने आप को क्षत्रिय कहने लगती है, और जो ओबीसी के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनसे दूरियां बनाने लगती है। मैं आपको बता दूं, क्षत्रिय तो आप पहले से ही हो। आप देश के राजा रहे, महाराजा रहे, आज जो शासन कर रहे हैं। कभी तुम्हारे घर में हल चलाया करते थे, तुम्हारे घर से भीख मांग करके पेट पाला करते थे, आप क्षत्रिय हो। लेकिन तब आप इस देश भारत के बड़े बड़े शासक रहे, जब सब लोगों को जोड़ने की काबिलियत थी आप में। आज काबिलियत नहीं है तो आप शासक नहीं हो पा रहे हो। याद रखिएगा यादव परिवार के लोगों, इतना ही नहीं, इतिहासकारों ने यादव, अहीर और बनाफर को भी एक लिखा है। आप कितने सहमत होंगे नहीं होंगे अलग विषय है, लेकिन इतिहास की बात है। जो आईएएस की तैयारी में भी पढ़ाई जाती है वो ये है कि जो आला उदल हैं, इनको बनाफर कहा गया है। और बनाफर अहीर दोनों में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, अर्थात बड़े लड़ैया मोहबे वाले। ये आला उदल भी यादव परिवार के हैं, ऐसा इतिहासकार लिखते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। आगे चल करके स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाइयां लड़ी, अन्य बहुत सारे युद्ध हुए, उनमें भी बहुत सारे यादव जमींदार राजा, जैसे राजा मोहनलाल बहुत बड़ा नाम है, बड़े लड़ाके थे। राजा राव गोपाल देव बड़े लड़ाका थे, ये प्लासी के युद्ध में रहे राजा मोहनलाल जी। इसके बाद राजा रंजीत सिंह यादव और राजा प्राण सुख यादव, ये जमींदार राजा थे। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ देश की रक्षा के लिए बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़े, जैसा कि इतिहास कहता है। इतना ही नहीं, इस परिवार में पेरिया ललई सिंह यादव जैसे लोग पैदा हुए, जिन्होंने सच्ची रामायण की चाबी लिखकर पूरे देश को चौंका दिया और बताया कि जो इतिहास में लिखा है वो सब सत्य नहीं है, जो किताबों में लिखा वो सब सत्य नहीं है, सत्य वह भी है जो आपकी तरक्की कसौटी पर सत्य सिद्ध होता है। ललई सिंह यादव ने जीवन भर समाज सुधार के कार्य किए और लोगों को शिक्षा के लिए, अच्छे मकान के लिए, अच्छे कपड़े के लिए प्रेरित किया, और आज वो यादव समाज के बहुत बड़े महापुरुष बन के उभरे। इतना ही नहीं, इसी परिवार में
बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी जो बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे, मंडल वहां यादव लोग लिखते हैं, ये यादव हैं, इन्होंने मंडल कमीशन बनाया, पिछड़ा वर्ग आयोग गठन किया, कितनी बड़ी